नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने किया योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार को संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे इस कोरोना के समय में 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों में रह करके अपने परिवार के साथ योग का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि चूंकि इस साल कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के प्रचार और प्रसार के लिए तथा उसको फैलते प्रभाव को रोकने के लिए सभी उपायों का अपनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योगा फॉर वर्ल्ड हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। और उस योग दिवस के पूर्व हम लोग आज इस वेबिनार के माध्यम से ये जो आयोजन, जिस आयोजन को श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है, देश और दुनिया के सब लोग योग के महत्व के ऊपर जो अपने द्वारा दिए गए प्रवचन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। मैं बधाई देता हूँ योग विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को और केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को, जिन्होंने मिलकर के और इस आयोजन का योग परिषद के साथ मिलकर के इस आयोजन का एक प्रकार से हम सबके लिए उपयोगी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ये योग दिवस इस बार थोड़ा भिन्न रूप से मनाए जाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि अभी तक पिछले वर्षों में सामूहिक रूप से योग किया जाए, बड़ी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष होता रहा है, हजारों हजार की संख्या में एक एक स्थान पर ये कार्यक्रम हुए हैं, विदेशों में भी हुए हैं। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना है, कोरोना के इस काल में, इस समय में एक आह्वान किया गया है कि सब अपने अपने घर से अपने अपने हिसाब से योग करें, सामूहिक रूप से न करें, लेकिन कुल मिलाकर के इतनी बड़ी संख्या में हम व्यक्तिगत तौर पर योग करके अपने आप को मन के साथ जोड़ करके, योग एक जोड़ होता है, तो जब एक समय एक साथ सुबह योग करेंगे, उसकी भावना, उसकी तरंगे ये भी सब जुड़ती हैं और हमारी एकता ये इसमें से प्रदर्शित होती है। विश्व शांति के लिए, खास करके कोरोना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस बार हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस महामारी से छुटकारा मिले। हरियाणा सरकार इस नाते से बहुत से प्रकल्प कार्यक्रम अपने चला रही है, गांव से लेकर के और ऊपर तक गांव में, शहरों में, सब जगह योग के कार्यक्रम निरंतर हमारे चल रहे हैं। हमारे योग परिषद के माध्यम से योग का प्रसार निरंतर हो रहा है। 1000 योग शिक्षक हमारी ग्राम व्यायामशालाओं के अंदर योग का अभ्यास कराते हैं। हमने योग को अपने पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया है, तो योग के प्रमोशन के लिए हरियाणा सरकार निरंतर काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी।